हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। HTML की बात करेंगे। और ये देखिए एनिमेशन, ऐसा एनिमेशन बनाना मैं पहले भी हालांकि सिखा चुका हूँ और आज फिर उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है हमेशा कि आप जब एनिमेशन बना रहे हैं तो आपका एनिमेशन जो है पूरा अच्छे से चल रहा है, और हम जब एनिमेशन बनाते हैं तो जैसा आपका एनिमेशन चलता है उस तरह से हमारा एनिमेशन नहीं चल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्यों आपका नहीं चल रहा है और क्यों मेरा चल रहा है, इसी की बात करेंगे। ये देख सकते हैं, ये वो प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है और इसमें हमने मार्क्यू टैग यूज किया है। इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है जो मैं पहले भी बनाना सिखा चुका हूँ वो ये प्रोग्राम है, और ये काफी अट्रैक्टिव आपको लगेगा। ये देख सकते हैं, ये देखने में बेहतर है, अट्रैक्टिव है। और ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड है वो अपने पंख जो है फैला करके उड़ रही है, और ये लग रहा है कि रियल में ही एक बर्ड है। तो ऐसा तब होगा जब आप इमेज के फाइल के एक्सटेंशन GIF रखेंगे, यानी कि आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हो उसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, .gif होनी चाहिए। GIF अगर नहीं है तो वो बर्ड जो है ऐसे आपका एनिमेशन ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे GIF एक्सटेंशन मैंने रखा है, यही बात मैंने पहले के भी वीडियो में समझाई है, और कल जब मैं क्लास ले रहा था तो यही बात सामने आई थी कि सर हम तो डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारा तो नहीं चल रहा है। तो नेट से आपको ऐसी पिक्चर डाउनलोड करनी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अब देखिए ये जो पिक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर इसको लगाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी देख रही है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप, और इसको आप ले सकते हैं, ये जो है इसको सेलेक्ट कीजिए और इसी को कॉपी कर लीजिए आप। ध्यान रहे कि इसके फाइल की जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फाइल आ रहा है, तो GIF फाइल यहाँ पे होना चाहिए तभी ये चलेगा, वरना ये चलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, अब इस वाले कोड को ओपन करता हूं मैं, यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस पे ही ओपन कर लेता हूं। आपके पास अगर नोटपैड है तो आप नोटपैड पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा कोड है लेकिन यहाँ पर आपको समझना है। इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा दिया हमने। अब जो हमने कॉपी किया था फाइल उसको यहां पे पेस्ट करता हूं, और एक्सटेंशन आपको .gif जरूर लगाना है, ठीक है। अच्छा, साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा भी सकते हैं, यहां से इसको सेव कर लीजिए, यहां से जाकर के इसको सेव कीजिए। ये सेव कर दिया और बाकी का कोड जो है सेम रहेगा, ये देख सकते हैं आप, बाकी का कोड जो है सेम रहेगा। और अब इसको रन करवाता हूं, डबल क्लिक करता हूं, ब्राउजर पे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। और रन होने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए, ये फिश देखिए, देख रहे हैं। तो जब तक आप GIF नहीं रखेंगे एक्सटेंशन, GIF इमेज नहीं डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो आपको GIF इमेज ही डाउनलोड करना होगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।